हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यहां पर क्या हुआ है, एक दिग्गज कंपनी ने अपने Q2 के नंबर हमें दिखाए, ओपन मार्केट में दिखा दिए, ठीक है। जैसे ही दिखाए दोस्तों, उस शेयर की धज्जियां उड़ गई। क्यों उड़ गई दोस्तों? क्योंकि Q2 के नंबर मार्केट के हिसाब से नहीं आए हैं, और मार्केट क्या चाह रहा था दोस्तों और नंबर कैसे आए हैं वो हम दिखाते हैं अब इस वीडियो में आगे आप लोगों को। सबसे पहले मार्केट का अपडेट देख लेते हैं। तो मार्केट आज भी बहुत अच्छी तेज़ी के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, 17,550 के पास। मार्केट यहीं पर दोस्तों क्लोज हो जाता है आज की डेट में तो बहुत बढ़िया रहता है। प्रीवियस क्लोज था 17,486 का। ओपन होता है दोस्तों काफ़ी शानदार गैप अप लेता है 17,568, हाई लगाता है 17,607 और लो लगाता है 17,492 का। बहुत अच्छा दोस्तों मार्केट में ट्रेडिंग देखने को मिला। यहाँ पर आया था 17,500 का सपोर्ट लिया, देन उसके बाद फिर से ऊपर मार्केट चले गया। अब देखते हैं दोस्तों आगे मार्केट के ऊपर क्या अपडेट आता है, जैसा भी होगा डेफिनेटली हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो अब चलते हैं और सबसे पहले शेयर का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शेयर का परफॉर्मेंस है आज का, अभी 0.25% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है और 650 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। प्रीवियस क्लोज था 660, देखिए पूरा फ्लैट था क्योंकि उसको पता था कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला, अच्छा आता तो भागता, अच्छा नहीं आता तो गिरता, ठीक है। उसके साथ ही ओपन हुआ आप देख सकते हैं 661, मतलब दोस्तों 661 पर ओपन हुआ, 667 का हाई लगाया, ठीक है, और यहाँ पर लो लगाया 615 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही Q2 का नंबर पब्लिक हुआ वैसे ही गिरावट, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट, और फिर अब रिकवरी थोड़ी सी उसमें आ रही है मार्केट के साथ साथ में। उसके साथ ही इसका परफॉर्मेंस अगर देखें लास्ट 6 महीने का तो बहुत ज़ोरदार देखने को मिल रहा है। लास्ट 6 महीने का परफॉर्मेंस लगभग 19% तक की तेज़ी है। 5 साल की अगर मैं बात करता हूँ, 5 साल में 496% तक की तेज़ी। ओवरऑल की अगर मैं बात करता हूं तो आपको दोस्तों ये तेज़ी 2019 से ही दिखेगी, क्योंकि कंपनी दोस्तों मार्केट में 2019 में ही आई है, ठीक है। कंपनी मार्केट कैप होल्ड कर रही है 17,054 करोड़ का, ठीक है। पी अर्निंग रेशियो भी बहुत अच्छा है और डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है। उसके साथ ही स्टॉक का 52 बिक का हाई, 52 बिक का लो भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। मतलब सभी चीज़ें दोस्तों बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है, लेकिन Q2 का नंबर दोस्तों अच्छा नहीं देखने को मिला है, ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यही देखने को मिल रहा है, ये देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है दोस्तों? क्योंकि नंबर जिस प्रकार से मार्केट पसंद कर रहा था उस प्रकार से नहीं आए, ठीक है। चलिए अब हम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये कंसोलिडेटेड वाला नंबर है और ये जो वैल्यूएशन है ये मिलियंस में है, ठीक है। तो और जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा नंबर। तो नंबर में है सितंबर, जून और सितंबर, ठीक है। तो टोटल इनकम की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी तो दोस्तों मैं इसको वैसे ही रीड कर दूंगा, आखिरी में इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा। तो 7,543 करोड़ के आसपास का दोस्तों टोटल इनकम हमें देखने को मिलता है। जून क्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर 7,016 करोड़ के आसपास का टोटल नंबर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो सितंबर 21 की मैं बात करता हूँ वहाँ पर 6,000 रुपये के आसपास दोस्तों टोटल इनकम था। तो Q1 बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल इनकम जो है दोस्तों वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है। अब यहाँ पर कंपनी दोस्तों खर्चा संभाल पाई है या नहीं ये देखते हैं। देखिए कंपनी का खर्चा कितना हुआ है दोस्तों, 6,466 का, कितना 6,466 का। जून क्योंकि मैं बात करता हूँ Q1 की वहाँ पर था 5,899 का, उसको राउंड फिगर में आप 5,900 का भी रीड कर सकते हो। सितंबर 21 की मैं बात करता हूँ वहाँ पर था 5,200 के लगभग का टोटल एक्सपेंस। तो जिस प्रकार से दोस्तों टोटल इनकम बढ़ा है उसी प्रकार से कंपनी का दोस्तों टोटल खर्चा भी बढ़ा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आप देखिए खर्चा बढ़ा है सबको दिख रहा है, लेकिन टोटल इनकम देखिए किस रेशियो में बढ़ा है, कितना बड़ा है, लेकिन खर्चा देखिए दोस्तों यहाँ पर उससे ज़्यादा बड़ा है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो नेट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट फॉर द पीरियड सब टैक्स एक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में कितना पैसा बचा दोस्तों, 835 बचा, मतलब दोस्तों मात्र 83 करोड़ का, ठीक है। जून क्योंकि मैं बात करता हूँ Q1 की वहाँ पर था 876, मतलब 87 करोड़ का प्रॉफिट। सितंबर 21 की मैं बात करता हूँ वहाँ पर था लगभग दोस्तों 65 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख लीजिए
क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देख लीजिए नंबर कहाँ से कहाँ चले गए। हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोस्तों बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे दोस्तों बैंड बच चुकी है, जिसके कारण दोस्तों क्या हुई, मार्केट जो है वो दोस्तों पूरा उदास हो गया और जिसके कारण स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली, क्योंकि मार्केट इससे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था। अब देखिए, मात्र 4 करोड़ का घाटा है, 4 करोड़ का। अगर मार्केट दोस्तों 90 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कर रहा है, अगर ये 90 करोड़ भी निकाल लेता ना तो बहुत अच्छी उम्मीद रहती। देखिए, ये अभी की परेशानी नहीं, चले आज तो गिरावट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इस चीज़ को जब बाहर के इन्वेस्टर देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर जिनका पैसा काफ़ी काम का होता है, जिनके पीछे दोस्तों कंपनियों का नाम चलता है कि यार फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें इतना खरीदारी किया है, जब वो दोस्तों ऐसा उसमें से क्या करते हैं, फंड निकाल लेते हैं या उसको इग्नोर करने लगते हैं, जब दोस्तों इनकी ज़्यादा बेंड बचती है, यही कारण से। तो नंबर तो दोस्तों यहाँ पर फ्लॉप रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों EPS कि EPS कैसा देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं इस क्यू का EPS है 3.09 रुपये का, जून क्यू में था 13.16 रुपये का, सॉरी 3.16 रुपये का, और सितंबर 21 की मैं बात करता हूँ वहाँ पर था 2.42 रुपये के आसपास EPS। तो EPS भी दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम हुआ है, ठीक है, मतलब ये सही सिग्नल नहीं है। तो हम किस कंपनी की बात करें, हम दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। KPIT टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो वैसे इसके Q2 के नंबर कल आने वाले थे, ठीक है, डेट कल का मेंशन था, लेकिन आज ये दोस्तों 12 बजे के समथिंग आए, क्योंकि आज PDF में आज का डेट ये मेंशन है, ठीक है। चलिए इसका छोटा सा परफॉर्मेंस और देखते हैं फंडामेंटल कंडीशन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं KPIT टेक्नोलॉजी की तो अगर हम बात करें तो आपको तो पता ही कि कंपनी दोस्तों किस इंडस्ट्री में काम करती है। कंपनी का दोस्तों बाहर के देशों की मैं बात करता हूँ तो यूरोप, USA, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, कंपनी का काम चलता है। कंपनी का जो सबसे ज़्यादा अर्निंग रेवेन्यू है दोस्तों, मतलब वो कहाँ से आता है, USA से आता है, यूरोप से 39% के लगभग आता है, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड से बचा हुआ जो पैसा है दोस्तों वो पूरे वर्ल्ड से आता है, मतलब 20% के समथिंग का। इसके साथ ही आप मार्केट कैप देख सकते हैं, PE अर्निंग रेशियो देख सकते हैं, रिटर्न ऑन एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी और फेस वैल्यू डिविडेंड यील्ड सब अच्छा देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है ना वो 50 DMA और 200 DMA के लेवल के काफ़ी ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। उसके साथ ही देखिए इसी कैटेगरी की कंपनीज़ की अगर मैं बात करता हूँ जो मिड कैप IT कंपनीज़ में आती है, KPIT टेक्नोलॉजी को भी दोस्तों एक अच्छा खासा पोजीशन मिला हुआ है, ठीक है। उसके साथ ही देखिए क्वार्टरली बेसिस का नंबर देखिए क्या पर देखने को मिल रहा है, सितंबर 21 देखिए, दिसंबर देखिए, मार्च देखिए और जून, हर क्यू में सेल्स बढ़ रहा है, यहाँ भी सेल्स बढ़ा है, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट मात खा गया है। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर बड़ा, लेकिन यहाँ पर लुल हो गया। जब ऐसा लुल होता है ना दोस्तों तब बेकार कंडीशन हो जाती है कंपनी की, क्योंकि दोस्तों होप सब बड़े बड़े लगाते हैं कि यहाँ से आप देखिए हर क्यू में दोस्तों कितना अच्छा नंबर, देखिए 37, 41, फिर यहाँ पर कम हो गया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कम हो गया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बढ़ गया, फिर यहाँ से बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ कम हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से जो कंटिन्यूसली 4-5 क्यू अच्छे निकाले और एक क्यू में लूल हो गया, जिसके कारण दोस्तों क्या हुआ, इतनी बड़ी पिटाई देखने को मिली। अदरवाइज आप सालाना तौर का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, सेल्स 641 करोड़ की, मार्च 2022 की मैं बात करता हूँ वहाँ पर दोस्तों पूरे साल भर में 2432 करोड़ की सेल्स। नेट प्रॉफिट की मैं बात करता हूँ यहाँ पर 55 करोड़ का, यहाँ पर 276 करोड़, ये पूरे साल भर का नंबर है, तो बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है वैसे तो पूरे साल भर का नंबर। उसके साथ ही दोस्तों शेयर होल्डिंग का पैटर्न दिखाता हूँ, तो देखिए प्रमोटर्स का चेक कितना अच्छा है। उसके साथ ही देखिए फॉरेन इन्वेस्टर का स्टेक देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर दोस्तों सितंबर मंथ में इसमें खरीदारी किए हैं, सितंबर मंथ में मतलब सितंबर क्यू में, Q2 में इसमें खरीदारी किए हैं। जब इनको Q2 के नंबर अच्छे नहीं दिखेंगे तो ये आने वाले दोस्तों सेशन में, मतलब अब यहाँ से मान के चलिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब Q3 का प्रोसेस चालू हो चुका है, सीजन चालू हो चुका है, तो इसमें हो सकता है कि वो दोस्तों Q2 के नंबर को देख के हो सकता है कि इसमें से स्टेक भी सेल कर दे, क्योंकि DII ने भी दोस्तों स्टेक को बढ़ाया है। पहले पब्लिक के हाथ में कितना स्टेक बचा था, अब कितना बचा ये देखिए, ठीक है। तो फंडामेंटल कंडीशन तो बहुत अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन Q2 का नंबर अभी अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों इस कंपनी के रिलेटेड कुछ अपडेट ब्रोकरेज हाउस के तरफ से आता है या कंपनी के तरफ से आता है, जैसा भी आएगा हम डेफिनेटली आपको प्रोवाइड
करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू दोस्तों।